हेलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है ये जो आपके सामने दिख रहा है बच्चे, ये है SCV का चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन सेज अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉज अ डीएसेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। देख बच्चे, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नया नहीं है। एक चीज़ जो उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है वो है रिएक्शन टाइम, है ना। रिएक्शन टाइम वैसे भी जब हमारे सामने कोई चीज़ सडनली आती है, कोई डेंजर हमें दिखता है, तो हम उसको रेस्पॉन्स करने में थोड़ा समय लेते ही रहते हैं, है ना। अगर आपके सामने भी कोई, अगर आप सपोज किसी रोड पे जा रहे हो, अचानक कोई सामने आ जाए, तो आप ब्रेक लगाते लगाते कुछ टाइम लेते हो, आपका माइंड फंक्शनिंग करने में टाइम लेता है कुछ। तो यहाँ पर उस चीज़ को बोल दिया कि दिस इज़ रिएक्शन टाइम, ठीक है। अच्छा, तो रिएक्शन टाइम जब तक कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पर रिएक्शन टाइम दे रखा आपको 0.2 सेकंड, तो 0.2 सेकंड में उसने ब्रेक नहीं लगाया, 0.2 सेकंड के जस्ट बाद ब्रेक लगना चालू हो गया। तो 0.2 सेकंड तक जो उसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वहाँ तक कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है उस सेकंड में, है ना, उस 0.2 सेकंड में। तो उसी चीज़ का फंडा उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मैंने लिखा यहाँ पे इनिशियल स्पीड, देखो आप क्वेश्चन में आपको जो यूनिट दे रखा है स्पीड का, दैट इज किलोमीटर पर आवर, मैंने उसको चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18 से ये 3 टाइम्स गया, 3 × 5 आपका आया 15 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड आपके पास आ गया 15 मीटर पर सेकंड, मतलब वो इनिशियली जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड से। 0.2 सेकंड जब उसने ब्रेक लगाने का सोचा तब 0.2 सेकंड निकल गया, तो 0.2 सेकंड तक वो अगेन कितने से चलेगा, 15 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। कहता है उसके बाद जो है उसने लगाया ब्रेक और कुछ दूर चल के वो रुक जाएगा। वो सारी बातें हमसे पूछा और हमसे बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, कितना चलेगा वो, है ना। देखना इस डायग्राम को जरा, पहले आप देखो, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए वो पॉइंट था, पॉइंट है जब उसने डेंजर देखा, है ना, कहाँ पे था वो, मान लो डेंजर, मान लो पॉइंट सी पर, या देख के उसको सी पर रोकना था, मान लो, है ना। तो ए वाला पॉइंट हो गया इनिशियल, टी इक्वल टू 0, रिएक्शन टाइम 2 सेकंड है। तो बी वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया कि दिस इज अ टाइम ऑफ 0.2 सेकंड इंटरवल, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल 0.2 दे रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई स्पीड चेंज होगा नहीं, यहाँ पे 15 था तो यहाँ भी क्या रहेगा, 15 रहेगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए से लेके बी तक वो रिएक्शन टाइम वाले इंटरवल में कितना चल जाएगा वो। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो वही मैंने किया, द डिस्टेंस विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वाई इट इज़ रिटन लाइक दिस, बिकॉज इट इज़ वन डायमेंशनल मोशन, एंड इफ इन वन डायमेंशनल मोशन पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इज डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। वो चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 0.2 सेकेंड में कितना चल जाएगा वो, 0.2 इंटू स्पीड 15, विच विल कम आउट एज 3 मीटर, आपका ये डिस्टेंस हो गया जो रिएक्शन टाइम चलेगा। नाउ आफ्टर 0.2 सेकंड रिटार्डेशन ऑफ कार विल स्टार्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक लगाएगा, अब ब्रेक लगाएगा तो फिर रिटार्डेशन तो हो गई, तो वो रिटार्डेशन के लिए मैंने यहाँ पर ए का डायरेक्शन ऑपोजिट दिखाया उसकी इनिशियल वेलोसिटी के, है ना। जब भी वेलोसिटी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स या एक्सेलरेशन काम करे, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, क्योंकि वो उसकी स्पीड को कम करेगा। स्पीड क्या करेगा उसका, कम करेगा, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कवर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमें पता है कि सी पर तो फाइनली रुक जाएगा, यहाँ पे इनिशियल स्पीड पता है आपको, क्वेश्चन में रिटार्डेशन भी दे रखा आपको, तो यू कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन विच इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हमने वो लगाया वी स्क्वायर, तो हमारा फाइनली पॉइंट सी पर तो जीरो जाएगा वेलोसिटी, ये पॉइंट बी पर वेलोसिटी था विच इज 15, तो 0² = 15² प्लस 2 इंटू यहाँ पर आएगा -6, क्योंकि रिटार्डेशन था। या आप ऐसे भी देख सकते थे कि यू के ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो अगर इस तरफ मैं पॉजिटिव लूँगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है ना। तो ए की जगह पर आया -6 और दिस इज डिस्प्लेसमेंट विच वी हैव टू फिगर आउट, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 15² / 2 × 6, कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 18.75, ठीक है। तो ये था
ए से लेके बी और बी से लेके सी, तो बी से लेके सी तक का जो आंसर आया है डिस्टेंस का वो आया 18.75, लेकिन उसने ए से बी में भी तो चला है ना, रिएक्शन टाइम तक वो चला 3 मीटर, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 + this, तो ये आपका क्या हो गया टोटल आंसर 21.75। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इसका। जब भी क्वेश्चन आता है अगर आप उसको स्केच कर लेते हो लाइक दिस, तो आपका बहुत हद तक क्वेश्चन वहीं पर ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से आप उसको स्केच करते चलो करते चलो करते चलो, आप फाइनली यू विल गेट योर आंसर वेरी क्विकली। ठीक है, तो ये रहा आज का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आई होप आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।